दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन के अंदर भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है डेटा यूजेस वार्निंग वाला, तो आप उसको कैसे यहां से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इसकी प्रोसेस कंप्लीट लाइव दिखाने वाला हूं, इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना कि कैसे इस नोटिफिकेशन को यहां से हम हटा देंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई वीडियो में जो भी लाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में पैनल पे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है डेटा यूजेज वार्निंग का, तो उसकी वजह क्या होती है कि जहाँ तक इसकी जो लिमिट होती है वो यहाँ पे एक्चुअल में क्रॉस हो चुकी होती है। रोज़ की आपकी 1 GB या फिर 2 GB होती है वो यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन आने का मीनिंग क्या होता है कि जब आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सी ज़्यादा एप्लीकेशन में कौन सा कितना डेटा यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इसकी वजह से वो यहाँ से नोटिफिकेशन बार बार आपको यहाँ पे शो करेगा। और आप इसको जितनी भी बार आपको यहाँ से उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो यहां से वो जाएगा नहीं, जब तक आप उसमें डेटा लिमिट वापस से उसमें इंक्रीज नहीं कर देते, यानी कि उसमें प्लस नहीं कर देते। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे करना है, उसके बाद आपको यहां पे डेटा यूजेस वार्निंग के ऊपर ही आपको यहां पे क्लिक करना है। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लास्ट में वाईफाई डेटा यूजेज है, तो यहाँ पे ये सारा जो वाईफाई डेटा है तो यहाँ पे वाईफाई की जगह यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे सिम होगा तो आप यहाँ पे सिम का जो नोटिफिकेशन होगा तो सिम का दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो डेटा है वो यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन में ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्ले स्टोर है, व्हाट्सअप है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जितना आपका जो डेटा है वो यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। तो आप इस एप्लीकेशन में यहाँ पे इसमें इस सेटिंग्स में आप देख सकते हो। तो चलिए इसको कैसे रिमूव करते हैं तो हम आपको वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टेप बैक आ जाना है, तो उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि सेकंड लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है डेटा वार्निंग लिमिट, तो यहाँ सेकंड लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है तो यहाँ पे उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे डेटा वार्निंग, उसमें यहाँ पे आप 2 GB दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो 1 GB डोज की होती है या फिर 2 GB होती हो तो यहाँ पर वो लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी हुई, इसलिए इसकी वजह से आपका जो नेट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर आपको ऐसे नोटिफिकेशन पर रिमाइंडर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ करें तब तक ये नेट कम्प्लीटली चलाएगा नहीं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि डेटा यूजेस वार्निंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 GB सेट है तो यहाँ पे आपको 2 GB यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी डिजिट हो या आपको कंटिन्यू 4 या 5 बार क्लिक करके रख देना है। यहाँ पे मैंने 999 999 वापस करके रख दिया, तो यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा वार्निंग लिमिट हो गई है 48.83 TB, यानी कि जब तक आपका 48 TB यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी नोटिफिकेशन पे ऐसा वापस नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप ये 48 TB क्रॉस नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ से आप इस तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।